अपने नाखून की हिफाजत किया करो, क्योंकि ये तुम्हारा जन्नती लिबास है। जो इंसान अपने नाखून काट के जमीन पे फेंक देते हैं और वो पांव तले कुचले जाते हैं, तो वो अक्सर इंसान बीमार, परेशान और नाकाम रहते हैं। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारे जिस्म में कुछ अल्लाह की ऐसी नेमतें मौजूद हैं जिसका ताल्लुक रूहानियत, तसव्वुफ और जन्नत से मिली नेमतों में से है। उसमें से एक अजीम नेमत तुम्हारे नाखून है, जो तुम्हें नजर, हसद, जादू, तावीजात और तमाम नहस चीजों से अल्लाह की पनाह में रखते हैं। लेकिन जब नाखून और इंसान की उंगलियों के बीच में मिट्टी आ जाती है, तब वो इंसान की रूहानी हिफाजत उस तरह से नहीं कर पाते। तभी जब भी तुम्हारे नाखून उंगलियों से बड़े होने लगें, तो उसको एहतियात से काट कर पानी के हवाले कर दो, या किसी ऐसी जगह पे रखो जहाँ वो दूसरे इंसानों के पांव तले कुचले ना जाएं। देखना, तुम्हारे कामों में कभी रुकावटें नहीं आएंगी। तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे और जहनी सुकून और कामयाबी के रास्ते हमेशा तुम्हारे साथ साथ होंगे। हमेशा तुम्हारे साथ साथ होंगे। हमेशा तुम्हारे साथ साथ होंगे।